হস জনজাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উধুলে পুজো রবিবার আয়োজিত হল কালচিনি ব্লকের তলসিংপাড়া গোপাল বাহাদুর বস্তিতে। হস জনজাতি সংঘের পক্ষ থেকে এই পুজো আয়োজিত করা হয়। উধৌলি পুজো শীতের সময় হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে খস জনজাতির মানুষেরা পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় এই পুজোর আয়োজন করে। পুজো সম্পর্কে খস জনজাতির সংঘের সম্পাদক সচিব ছেত্রী বলেন, প্রকৃতি ও পশুদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। আদিমকাল সেই ওরা মতো কি জব সে মনুষ্য নি জঙ্গল সে জব সে আপনা সভ্যতা কি ওর প্রস্থান কিয়া তব সে আপনা মতো কি জো প্রকৃতি কি পূজা হয় ये उस समय से ही होता है। ये हमारा जो है वो ऋतु के अनुसार हम लोग ये पूजा करते हैं। मतलब कि जब हमारे ये उधौली उभौली ये पर्व के नाम है। उभौली मतलब कि जब ऊपर चलते हैं, मतलब कि पशु प्राणी जितने भी चरा चुरुंगी जितने भी है वो ऊपर जाने जाते समय मतलब कि वहाँ का जो अपना मौसम के हिसाब से वो लोग ऊपर जाते थे। ठंडा मतलब गर्मी होने के नीचे गर्मी समतल में गर्मी होता है तो ऊपर में ठंडा रहता है तो प्रजनन के हिसाब से वो लोग ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो गोड़ सारने अपना व्यवस्था हम लोग एक बस्ती से दूसरा बस्ती माइग्रेशन जो माइग्रेशन होता है जब यहाँ गर्मी ज़्यादा होता है तो डुअर्स का आदमी पहाड़ चला जाता है, पहाड़ का आदमी ठंडा होता है तो नीचे आता है, ये वैसा है। तो हम लोग जब ऊपर में जाते थे तो वन जंगल फाड़ के वो मतलब कि हम लोग पूजा जंगल का पूजा करके वहाँ का देवी देवताओं को पूजा करके हम लोग ऊपर करते थे और नीचे जब हम लोग बसाई सरते थे मतलब माइग्रेट होते थे तो यहाँ पर आके हम लोग उधौली पूजा करते हैं। मतलब उधौली मतलब कि उधो नीचे का पूजा होता है। ये बहुत पुराना समय से चल रहा है। ये पूजा विशेष हमारे धामियों से होते हैं। हमारे उभौली उधौली पूजा जो है अभी तो हमारा पश्चिम बंगाल की पछौटी वर्ग से भी हम लोग चिन्हित हो चुके हैं कि खसोने मतलब उभौली उधौली ये प्राचीन काल से ही मतलब कि शुरू किए मतलब कि प्रमाणित भी है। तो मेरा सचिन छेत्री, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ये संगठन की। जी 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 जी, जी।